Assalamualikum friends, welcome back to Ayesha's kitchen. आज मैं आप लोगों को बोल के देना चाहती हूँ पाए का सूप. देखिए मैंने पाए छोटे छोटे पीसों में कटवर करवा के अच्छे से धो के रख लिया है. यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसमें मैंने जिंजर गार्लिक ऑनियन दालचीनी इलायची और लवंग इतना सारा डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है. और मैंने एक छोटा ऑनियन कट करके रख लिया है छोटे पीसों में. और मैंने लिया है ऑयल, नमक और थोड़ा मैंने काली मिर्च मैश करके रख लिया है. अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं. देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक कुकर लेंगे. कुकर में हम हमारा जो ये पाए है ये सारा डाल लेंगे. डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 to 3 टेबलस्पून हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो देखिए इसी में मैं डाल रही हूँ 1, 2 and 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. एंड मैं ये ऑनियन सारे ऐसे ही डाल लेती हूँ. एक्चुअली हम सूप बना रहे हैं, सूप के लिए कोई तड़का नहीं लगेगा, इसीलिए मैं सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ. और मैं इसमें डालती हूँ 1 टेबलस्पून नमक और हमारी काली मिर्च जो है वो मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून. हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल डायरेक्टली, ऐसे ही 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल लेंगे. डालने के बाद इसमें लगेगा 1 ग्लास पानी. 1 ग्लास पानी मतलब बहुत ही छोटे कप में पानी डालना पड़ेगा. ये देखिए इतना ही है. इतने डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा कुकर मूझ के इसे अभी 5 to 6 विजल्स करेंगे. करने के बाद हमारी सूप बनके तैयार हो जाएगी. चलिए अब हम कुकर चढ़ा लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सूप, पाए सूप एकदम बनके तैयार है. एकदम गर्म है, यम्मी है. ये आप चावल के साथ रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा. ये थी आज की मेरी रेसिपी पाए का सूप. अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अस्सलामुअलैकुम.